हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनिसा ऑल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत। सो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा पहले वो देख लीजिए, फिर हम लिमिटेशंस के ऊपर आइए। ठीक है, अब हम पहली लिमिटेशंस को जानेंगे जो कि है नॉट एप्लीकेबल टू द चार्जेस एट मोशन। क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला जो है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर है। आर यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है और क्यू वन और क्यू टू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है और एफ इज द कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब पहला देखो, नॉट एप्लीकेबल टू द चार्जेस एट मोशन। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम चार्जेस जो लेते हैं वो रेस्ट पे ही लिए जाते हैं। मोशन के चार्जेस जो हैं, मतलब जो चार्ज मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऑलरेडी वैसे नहीं आते। बट ये जो हम कूलम लॉ की बात कर रहे हैं, ये मोशन पे चार्जेस जो हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर? जो चार्जेस सिर्फ रेस्ट पे हैं उन्हीं के ऊपर ये कूलम लॉ एप्लीकेबल होगी, ये याद रखना। दूसरा है नॉट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द फोर्स। ओके, दो चार्जेस की हमने बात तो यहाँ पे की हुई है कि एक चार्जेस चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, समथिंग कुछ आर ले लिया मैंने। तो अब मैंने कहा कि ये चार्ज कुछ भी नेचर का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये भी चार्ज कोई भी नेचर का हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहाँ पे इस कूलम जो साइंटिस्ट है उसने स्पेसिफाई नहीं किया। क्लियर? इस लॉ के अंदर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। उसने ये चीज नहीं बताई कि ये जो फोर्स है रिपल्सिव होगी या फिर अट्रैक्टिव होगी। तो इसीलिए हम नहीं बता सकते कि वहां पे नेचर ऑफ फोर्स कौन सी होगी। क्लियर? उसने कौन सा वर्ड डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस कराया? इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मतलब द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस वर्ड बोला है, having some distance between them। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, दो चीजें उसने बोला है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, तो उसने क्लियरली बता दिया है अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज उसने बोला है having two any charges, मतलब ना उसने पॉजिटिव ना नेगेटिव की बात की है। क्लियर? थर्ड लिमिटेशन इज नॉट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द चार्ज। तो ये तो इसी के साथ ही आ जाती है, अगर फोर्स नहीं बताई इसका मतलब चार्जेस भी उसने नेचर नहीं बताया, कोई भी ले सकते हैं चार्जेस। फोर्थ जो है एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस ओनली, मतलब इसमें अगर हम छोटे मैग्नीट्यूड के चार्जेस लेते हैं उसी के ऊपर ये कूलम्ब लॉ है, कूलम्बिक फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होगी। अगर मैं बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज ले लूँ तो उसके ऊपर ये फोर्स ये वाली नहीं होगी। मतलब जो अगर मैं बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के चार्जेस लूंगा, काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड के, काफ़ी ज़्यादा कूलम के लूंगा, तब मैं कूलम फोर्स की बात नहीं करूंगा। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करोगे, उस न्यूमेरिकल्स में भी आप देखोगे कि जो कूलम्बिक फोर्स हमने ली हुई है वो ज़्यादा बड़े कूलम्स में नहीं होगी, या तो माइक्रो कूलम्स, नैनो कूलम्स। आप खुद नोटिस कीजिए उस न्यूमेरिकल्स में, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा हमने कोई ज़्यादा कूलम्स की बात क्यों नहीं की। बिकॉज एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। ऑलरेडी मैं लेक्चर में वीडियो भी बना लेक्चर भी बना चुका हूँ, उसमें ये भी बता चुका हूँ कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी आप जान सकते हो, देख सकते हो। सो आई होप आपको ये चार जो बेसिक सी इसकी लिमिटेशंस हैं वो आपको समझ आ गई होगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम सारी सीरीज कर रहे हैं वो अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे डायरेक्टली यहीं पे पूछिए या फिर हमारी वेबसाइट या वीडियो स्ट्रीमिंग में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।